फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारे किचन में बन रहा है रेस्टोरेंट स्टाइल चिली बेबी कॉर्न, जो हम अक्सर रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। हम घर में भी उसे बहुत इजीली और बहुत टेस्टी बना सकते हैं। देखिए, ये लग रहा है ना कितना डिलीशियस। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 250 ग्राम्स बेबी कॉर्न। इसके हम लोग एजेस पहले ट्रिम कर देंगे, फिर उसे हम लोग डायगोनली काटेंगे। आप कोई भी शेप में काट सकते हैं। ये देखिए, सारे बेबी कॉर्न्स मैंने काट लिए हैं। अब हम इसे बॉईल करेंगे। पानी में एक चम्मच नमक डालेंगे और इसे 2 से 4 मिनट अच्छे से बॉईल होने देंगे। नमक डालने से ये जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। देखिए, बेबी कॉर्न अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन करके इसे 5-7 मिनट थोड़ा ठंडा होने दें, फिर हम इसका आगे का प्रोसेस करें। बेबी कॉर्न ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे कोटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, 1/2 कप मैदा, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, आप गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, और नमक अपने स्वाद अनुसार। अब हम इन सबको अच्छे से हाथ से पूरा अच्छे से कोट करेंगे। पूरा मैदा सब बेबी कॉर्न में लग जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे कंसिस्टेंसी हम लोग चेक करके कोट करते रहेंगे। ये देखिए, बेबी कॉर्न एकदम अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे तेल पहले से गरम करके रखा था मीडियम फ्लेम पे। हम इन पहले हाफ फ्राई करेंगे, उसके बाद डबल फ्राई करेंगे, जिससे हमारे बेबी कॉर्न बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप इस तरह एक एक करके डालें, नहीं तो ये आपस में चिपक जाते हैं। ये देखिए, हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। क्योंकि हमें डबल फ्राई करना है, इसलिए ज़्यादा ब्राउन अभी नहीं करेंगे। इसी तरह सारे बेबी कॉर्न फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, सारे बेबी कॉर्न हमने फ्राई कर लिए। अब इसे डबल फ्राई करते हैं। ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे डबल फ्राई करने से। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसे पेपर टॉवल पे निकाल लेते हैं। आप इसे खोल के इस तरह अलग अलग रखें ताकि ये सॉगी ना हो। अब हम इसकी सॉस रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 1 चम्मच तेल, उसमें 2 हरी मिर्च ऐसे लंबी काट के डाली है, और गार्लिक और जिंजर को अच्छे से ग्रेट करके डाला है। आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे 1-2 मिनट अच्छे से सौते करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे ऑनियन और रेड और येलो कैप्सिकम मैंने यहाँ पे डाली है। इसे हम 1-2 मिनट ही सौते करेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। थोड़ा क्रंची रहने से ही खाने में मज़ा आएगा। ये देखिए, अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच टमाटो केचप, 2 चम्मच रेड चिली पेस्ट, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच विनेगर। आप ज़्यादा स्पाइसी बनाने चाहते हैं तो सॉस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सॉस में भी बहुत नमक होता है, और बेबी कॉर्न में भी हमने नमक डाला था, इसलिए मैं इसमें और ऊपर से नमक नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच रेड फूड कलर और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से इस वेजिटेबल्स के साथ मिलाएंगे।
फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, पर हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें रेड फूड कलर डाला है। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के इसकी स्लरी रेडी की है। 1 से 2 चम्मच हम सॉस में मिलाएंगे ताकि सॉस को थोड़ी सी थिकनेस मिले। देखिए सॉस हमारी अब एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें हमारे फ्राई किए हुए कॉर्न मिलाएंगे। सारे कॉर्न डाल के इसे अच्छे से टॉस करेंगे और पूरे सॉस में कोट करेंगे अच्छे से। कॉर्न एकदम रेडी हो चुके हैं। लास्ट में हम इसमें 1/2 टीस्पून शुगर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें हनी भी मिला सकते हैं। जो सॉस की टैंगीनेस है, शुगर उसको बैलेंस करेगा और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल बेबी कॉर्न बनके एकदम रेडी हैं। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। लग रहे हैं ना पूरे रेस्टोरेंट जैसे। आप इसे एज ए इवनिंग स्नैक या पार्टी स्टार्टर की तरह सर्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हरे धनिया से इसे गार्निश करेंगे और इन्जॉय करेंगे। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और बताएं मुझे मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।